नमस्कार प्रियजनों, आप देख रहे हैं सीयूडी पाठशाला, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों की लगातार डिमांड आ रही थी कि सर सीयूडी यूजी के थ्रू जो बच्चे बीएलएलबी में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको कम से कम कितना मार्क्स लाना पड़ेगा जिससे वो बीएचयू इलाहाबाद या किसी अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। सो फाइनली आज ये वीडियो उन छात्रों के लिए है जो बीएलएलबी का एग्जाम दिए हुए हैं और जो अपने मार्क्स के बेसिस पे अलग अलग यूनिवर्सिटीज में एडमिशन की पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं, खोज रहे हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखना है क्योंकि इससे पहले जब मैं आपके लिए कटा वीडियो दिया था उस समय मार्किंग जो था वो चेंज था। इस बार की जो मार्किंग है वो डिफरेंट है, यानी कि ऑफिशियल मार्किंग पैटर्न की बेसिस पे 2023 का ये वीडियो होने जा रहा है। जो बच्चे पहली बार चैनल पे है उनसे मैं निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कोई भी आपका अपडेट मिस ना होने पाए। और हाँ, इस वीडियो को शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों में जिससे उन्हें एक अच्छा चैनल मिल सके और वो बाकी आने वाले समय में जो भी एजुकेशनल वीडियोज हैं, मोटिवेशनल वीडियोज हैं, टॉपर स्टॉक है, ग्राउंड रिपोर्टिंग है, अपडेट्स हैं, वो भी उन्हें टाइम से मिले और वो भी अपना स्वर्णिम भविष्य जो है वो बना सके। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हम लोग लगातार पिछले कई दिनों से यूजी एंड पीजी के ऑफिशियल अनऑफिशियल एनालाइज कटा वीडियो फॉलो कर रहे हैं जिसमें आप चैनल पे जाके देख सकते हो कि हम लोगों ने बीए, बीकॉम, बीएससी ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं जो लास्ट ईयर ऑफिशियल लिस्ट की बेसिस पे आप तक पहुंचाई थी और इस साल भी अनऑफिशियल एनालाइज कटा वीडियोस बना रहे हैं जिससे आप अपनी पॉसिबिलिटीज देख सको कि हाँ आपके एडमिशन होने की संभावना है या नहीं है। मैं एक बार फिर से निवेदन करूंगा चैनल शुरू करने से पहले, इस वीडियो को शुरू करने से पहले कि हाँ दोस्तों ध्यान देना, जब आपके ऑफिशियल लिस्ट आने शुरू हो जाएंगे तो आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेगा कि हाँ ये फर्स्ट राउंड कट ऑफ लिस्ट है, इतना मार्क्स गया है और इन बच्चों के एडमिशन की पॉसिबिलिटीज है, आप पेमेंट करो आपका एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद जब सेकंड राउंड लिस्ट आएगा तो वो भी मैं आपको दूंगा, थर्ड आएगा तो वो भी मैं आपको दूंगा और एज इट इज ऐसे फॉलो होता रहेगा। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने बीएलएलबी के अनऑफिशियल कट ऑफ के बारे में बात करी है लेकिन उसका जो बेसिस है, जो रेफरेंस है वो लास्ट ईयर का ही कट ऑफ है, यानी 2022 के कट ऑफ के बेसिस पे 2023 के कट ऑफ को हम लोगों ने एनालाइज करके आपके लिए बनाया हुआ है। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं बार बार बस इसलिए समझा रहा हूं जिससे कि आप लोग कॉन्शियस माइंड से ये चीज समझ सको कि हाँ ये चैनल आपके लिए बेस्ट है और इस चैनल पे आप लोग अपना जुड़ के आगे की प्रिपरेशन और बहुत सारे जानकारियां हासिल कर सकते हो। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो इस बार की मार्किंग स्कीम है वो लास्ट ईयर से 100 नंबर कम है लेकिन ये स्पेशली किस यूनिवर्सिटी के लिए, बीएचयू के लिए, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। अगर हम लोग इलाहाबाद की बात करें तो उनकी मार्किंग लास्ट ईयर की तरह ही है, उनका कहीं भी ऐसा कोई भी जिक्र नहीं है कि हाँ वो लोग लैंग्वेज को 50% लेंगे। हम लोग अगर बीएचयू की बात करते हैं दोस्तों ध्यान देना, मैं यहाँ पे बीएचयू लिख दे रहा हूँ क्योंकि हम लोगों ने स्पेशली बीएचयू की बात करी है, ठीक है। अगर हम लोग बीएचयू की बात करते हैं मार्किंग में तो आपका जो एलिजिबिलिटी सब्जेक्ट्स है, एलिजिबल सब्जेक्ट्स है फॉर बीएलएलबी वो है जनरल टेस्ट यानी जीटी, लीगल एक डोमेन, ओके, तीसरा है आपका एक लैंग्वेज जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज। लेकिन जो कंसिडरेशन ऑफ मार्क्स है वो आप देखोगे ये तो पूरा 250 लिया जा रहा है, यानी पूरे 50 क्वेश्चंस के जो भी मार्क्स है वो पूरे कंसिडर किए जा रहे हैं। लीगल के भी पूरे 40 क्वेश्चंस के 200 मार्क्स जो है वो कंसिडर किए जा रहे हैं। हम लोग जब लैंग्वेज की बात करते हैं तो ये अपने आप हाफ हो जाता है और ये 200 का 50% ही कंसिडर किया जाएगा। इसको एज एग्जांपल हम लोग देखते हैं जिससे कि आप लोग अपना मार्क्स भी काउंट कर सको और कमेंट करना अपना मार्क्स, क्योंकि अपना मार्क्स कमेंट करोगे तो हम आपके कमेंट में जाकर रिप्लाई भी करेंगे कि हाँ पॉसिबिलिटी ज्यादा है या कम है। बाकी आप इस वीडियो में तो आप देख ही लोगे। एग्जांपल ये कहता है किसी बच्चे का 180 है, इसमें लैंग्वेज में अगर किसी बच्चे का लैंग्वेज में 180 है तो ये जनरल टेस्ट तो पूरा ऐड करेगा, लीगल पूरा ऐड करेगा, लेकिन जब इंग्लिश की बात आएगी तो ये 90 नंबर ही ऐड करेगा। मींस कि आप जितना भी लैंग्वेज में पाते हो, सपोज आप 150 पाते हो तो 75 मार्क्स विल बी कंसिडर एज योर एलिजिबल मार्क्स फॉर बीएलएलबी। इस तरीके से कंसिडरेशन मार्क्स जो है आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा है अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल लिस्ट ऑफ बीएचयू बुलेटिन। सो प्लीज ध्यान देना, आपकी जो मार्क्स काउंटिंग होगी कुछ इस बेसिस पे होगी। अब आप लोग जाओ और अपना मार्क्स काउंट करो और देखो कि क्या आपने इसी बेसिस पर अपना मार्क्स काउंट करा है।
अब हम लोग इलाहाबाद की बात करें तो इलाहाबाद पूरा एजुटीज ऐड कर देगा और BHU जो है वो 50% कम करके लैंग्वेज का ऐड करेगा। ये है डिफरेंट BHU इलाहाबाद में, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इस बार के यानी BHU के 2023 के अनऑफिशियल कट ऑफ पे, जिसपे आपके कम से कम मार्क्स पे एडमिशन होने की संभावनाएं हैं। ओके, हम लोगों ने यहाँ पे रिजर्वेशन कैटेगरी को ध्यान दिया है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी एंड ईडब्ल्यूएफ, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। माफी चाहूंगा दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मेरी प्रॉब्लम समझ पाओगे। एक्चुअली कॉलोनी में कुछ दिन से लाइट अच्छी नहीं है और साथ ही साथ बुरा वक्त है, थोड़ा इन्वर्टर की बैटरी भी ख़राब है जिसकी वजह से अचानक से वीडियो पॉज हो गया। बट कोई नहीं, हम लोग स्क्रीन रिकॉर्डर पे अच्छे समझेंगे, प्लीज़ आप लोग वीडियो कंटिन्यू करिए। जनरल कैटेगरी के लिए जो यहाँ पे मैंने मार्क्स बताया है वो बताया 430 यानी 430, ओबीसी के लिए बताया हुआ है 400, एससी के लिए 370, एसटी के लिए 350 से 320 तक मैंने बताया हुआ है, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 420। ये कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जो कि फिक्स नहीं है, ध्यान दीजिएगा। एक तरह से देखा जाए तो ये वैल्यू ऑलरेडी बहुत कम है। मैं इतने कम मार्क्स पे आपके एडमिशन की पॉसिबिलिटीज को यहां पे लिखा हूं कि इससे कम पे फिर उसके बाद पॉसिबिलिटीज बनने की बहुत कम उम्मीद है। दूसरा इसका एक पहलू ये कहता है कि इलाहाबाद जो है वो कहीं ना कहीं आपके इस वैल्यू को भी और नीचे कर सकता है, क्योंकि इलाहाबाद के पास सीटें जो हैं वो BHU से ज़्यादा है। BHU में अगर हम लोग सीट देखें तो ओनली कितना है, 70+, इससे ज़्यादा नहीं है, वो भी यहाँ पे पेड सीटें नहीं है। इलाहाबाद में सैकड़ों की संख्या में सीटें हैं, उनके यहाँ एफिलेटेड में भी इसकी सीटें हैं, उसके बाद भी बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे कि BA LLB की जो सीटें हैं वो अवेलेबल हैं। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप लोग इस मार्क्स पे अपने एडमिशन की पॉसिबिलिटीज़ तो देखना, साथ ही साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे अगर 20 नंबर कम है तो भी आप विभिन्न विश्वविद्यालयों में एडमिशन के लिए पॉसिबिलिटी चेक करते रहना, ओके। हाँ, ये मार्क्स BHU BA LLB के लिए लगभग चांसेज हैं कि आपके एडमिशन हो जाएंगे, ठीक है। सो प्लीज इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि हाँ आपका कितना मार्क्स आ रहा है, फिर हम लोग उस पर रिप्लाई करेंगे, ओके। मुस्कुराते रहे, बहुत सारी शुभकामनाएं। ध्यान दीजिएगा कि मार्क्स अगर ज़्यादा कम है तो आप लोग दुखी मत होना, ठीक है, मुस्कुराते रहो, आपके मेहनत का मार्क्स है और हम सभी को अपने ऑनेस्ट हार्ड वर्क को, स्मार्ट वर्क को रेस्पेक्ट करना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच, एक बार फिर से नमस्कारम आप सभी को, बहुत सारी शुभकामनाएं।